हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम दत्ता आर्ट्स चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे यूट्यूब प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन बनाएंगे। दो तो इसको बनाने के लिए मैंने जो जो मटेरियल यूज़ किया है मैं अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। उस पर बने रहिए। ये प्ले बटन मैंने कैसे बनाया है और आप इसको जान पाएंगे और आप भी सीख पाएंगे कि कैसे प्ले बटन बनता है। और रियल प्ले बटन पाने के लिए अभी भी करीब 9 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तब जाके ये कोई प्ले बटन दे रहा। तो प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम ये पीवीसी बोर्ड का यूज़ करेंगे जो मैंने पिछले सिल्वर प्ले बटन का बनाया था। जो सिल्वर प्ले बटन में मैंने ये चीज़ यूज़ किया था, अब गोल्ड प्ले बटन के लिए मैं ये गोल्ड वाला बोर्ड यूज़ करूँगा। ये एकदम गोल्ड टाइप में है और इसमें हम लोग 3 टाइप का सामान यूज़ करेंगे। एक पीवीसी बोर्ड, दूसरा जो है वो है ग्लास, जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। ये आपको लोकली मार्केट में मिल जाएगा कोई भी ग्लास की दुकान में, आप वहाँ पर वहाँ से जाके सीधा परचेस कर सकते हैं। और उसको स्टिक करने के लिए हम लोग ये सिलिकॉन ग्लू का यूज़ करेंगे। इसका मार्केट प्राइस 300 है बट आपको हार्डवेयर शॉप में अराउंड 120 का मिल जाता है, जो मैंने भी ख़रीदा है। और स्टिकर के लिए हम लोग बेसिकली स्टिकर शॉप में जाते हैं, वहाँ पर स्टिकर हम कटिंग करवा के आएंगे और इसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह कट कर लेंगे जो गोल्ड प्ले बटन के लिए। मैंने इसको कम्प्लीटली कट करके इसको सैंड पेपर से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये कम्प्लीटली मैंने ये पूरा क्लीन किया है अच्छे से और ये गोल्ड फिनिश पूरा हो रहा है। और स्टिक करने के लिए मैं ये ग्लू गन का यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पर जो बोर्ड है मेरे को कम्प्लीटली वैसे मिला नहीं तो ब्रेक पोर्शन था, तो इसको कम्प्लीटली स्टिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को उल्टा करके ये जो सिल्वर था, सिल्वर वाले में को ही मैंने गोल्ड कलर में कन्वर्ट किया। ये स्टिकिंग की तरह आता है पूरा, ये पॉलीथीन में निकाल लूँगा। इसको निकालना बड़ा थोड़ा सा हार्ड है बट आप ट्राई कीजिए धीरे धीरे करके। और ये जो पीवीसी बोर्ड है ये मैंने आपको पहले बताया नहीं, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप और प्लस जहाँ पर खिड़की वगैरह यूज़ किया जाता है ना वहाँ पर ये सब मिलता है उनके पास में। और इसका जो कॉस्ट है, जो अगर आपको पीस में मिल जाता है तो ये आपको 500 to 1000 के बीच में मिलता है। और अगर आप पूरा फ्रेम यूज लेते हो ये तकरीबन 4000 का एक शीट आती है। तो मैंने इसको यूज़ किया है। इसका जो कलर को जो कलर है वो मिटे ना, उसके लिए मैं पहले इसको नीचे इक्विपमेंट में यूज़ करूँगा जिससे कलर ख़राब ना हो। और कलर ख़राब ना हो तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले जो ग्लास फैक्ट किया था, ये जो ग्लास कटिंग करवा के लेके आया था, ये जो ग्लास सबसे पहले जो कटिंग किया था जो गोल्ड कलर में, तो पहले इसको मैं स्टिक करूँगा। ये स्टिक करने के लिए मैंने ये ग्लू गन का यूज़ किया है। ग्लू गन से पहले जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरे को मिलता है मैं कम्प्लीटली उसको ऐसे ग्लू कर लूँगा। इधर थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्लू आप यूज़ कीजिए क्योंकि जितना अच्छे से ये चिपकेगा उतना ही बढ़िया आपका आएगा। यहाँ पर मैं ग्लू का पूरा यूज़ कर रहा हूँ। कम्प्लीटली जितना ग्लू हो सके उतना कम्प्लीटली आप यूज़ कर लो। ग्लू कम्प्लीटली आपका स्टिक होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। देखिए कम्प्लीटली मैंने सारा ग्लू यहाँ पर डाल दिया और ये थोड़ा डीपन है तो मैं अब ये थोड़ा डीपर है
तो इसको मैं थोड़ा सा उंगली से ऐसे थोड़ा हल्का हल्का कर लूँगा जिससे मेरा एक सामान सब जगह लग जाए। थोड़ा सा मैशी होगा, थोड़ा सा गंदा होगा, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं तो हाथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग हाथ से मत यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा एक कोई गत्ता वत्ता कुछ लेके अच्छे से इसको मैश कर लेना जिससे कि हर जगह यू अच्छे से लग जाए। ये कम्प्लीटली अच्छे से ऐसा करके लग जाए, क्योंकि हल्का सा भी थोड़ा सा भी गैप रह गया तो पूरा वो ख़राब होने का डर है। तो थोड़ा सा हाथ थोड़ा गंदा हो गया, तो मैं सबसे पहले ये टिश्यू पेपर से थोड़ा साफ कर लेता हूँ टिश्यू पेपर से। तो अब हम लोग ने जो ग्लास कटिंग किया था उसको हम लोग किसको उल्टा करके इस पे लगाएंगे। थोड़ा सा सही से ध्यान करके लगाना जिससे ये कम्प्लीटली आपके जो सर्कल पोर्शन है उसमें कम्प्लीटली सही से आ जाए। अच्छे से लगा देना। अब ये जो इसको एक परफेक्ट शेप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पीस ऐड करेंगे ग्लास का, एक छोटा सा पीस जिससे उल्टा पुल्टा ना हो, इसको ऐड करके हम लोग यहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे। अब हमें जो हम लोग जो ग्लू गन यूज़ किए थे इसको थोड़ा सा मोटा करके हमें इसमें डालना है जिससे जो हमारा जो सेकेंड पीवीसी बोर्ड है वो कम्प्लीटली सा इसमें स्टिक हो सके। जितना ग्लू का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका रफ टाइप का अच्छे से बनेगा। ग्लू अच्छे से हम लोग डाल रहे हैं जितना हो सके उतना अच्छे से इस पे ग्लू आप स्टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से चिपकना चाहिए नहीं तो आपका जो बोर्ड है वो खुलने लग जाएगा। इसको कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये जो बोर्ड मैंने जो बोर्ड सा जो बैकग्राउंड में लिया था उसको मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा। और ये छोटा सा पीस जो मैंने कट किया था अब इसको मैं इस पर लगा दूँगा। कंप्लीट इसको रिकवर स्टे करने के लिए मैं इस पे ये मार्किंग टेप जो है इसको लगाऊंगा। अभी हम इसमें अच्छे से इस पर टेप लगाएंगे जिससे एक जगह स्टे हो सके, और थोड़ा भारी हो गया है तो टेप लगाने के लिए हम लोग ये चीज़ करेंगे, इसको कटिंग करके यहाँ यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में जाके चिपका देंगे, क्योंकि इसको चिपकने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। तब तक हम लोग इसको हम लोग मेक ओवर करेंगे। डालने के लिए हम लोग इस पे सबसे पहले भारी कुछ सामान रख देंगे जिससे ये एक सामान चिपक सके, और इसको 2 घंटे के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो हम लोग का जो प्ले बटन है उनमें जो ग्लूस इसको जो स्टिक किया था ये कम्प्लीटली इस तरह स्टिक हो जाएगा प्ले बटन इस तरह। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा ऐसा कटिंग पीस करेंगे, जो ये चीज़ मैंने कट पीस किया है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर सेंटर पोस्टर पे ऐड कर दूँगा। इसको ऐड करने के लिए मैं यही ग्लू गन का यूज़ करूँगा, और ग्लू गन के लिए सबसे पहले यहीं से थोड़ा सा स्टिक कर लूँगा। तो ये अच्छे से यहाँ पर इसको अच्छे से ग्लू कर लेना है एकदम, मतलब बारीक अच्छे से जिससे जो निकलेगा, और इसको कम्प्लीटली सेंटर पोर्शन लेके इसको अच्छे से चिपकाना है, ठीक है। इसको इस तरह चिपकाने के बाद हम लोग जो हमने जो मार्केट से ये वाला जो स्टिकर प्रिंट करवाया था, देखिए इसमें अच्छे से स्टिकर का प्रिंट हुआ है। अब इसको हम लोग सेंटर पोर्शन लेके इसको अच्छे से हम लोग चिपकाएंगे। ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, आप किसी भी जो स्टिकर जो शॉप्स होते हैं उनसे आप प्रिंट करवा सकते हो। मैंने भी इसको प्रिंट करवाया अच्छे से। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर लूँगा। स्टिक होने के बाद
हम लोग क्या करेंगे, इसको कम्प्लीटली ये ब्लेड से हम आस पास से इसको हल्का हल्का करके ऐसे से हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे। एक टाइप का स्टेंसिल जैसा कुछ बनाएंगे, जिससे जो हमारा जो ड्राइंग है वो हम बाद में जाके उसको सेट कर सके। इसको हम कटिंग करके मैं दोबारा से आता हूँ। करने के बाद हम लोग का ऐसा शेप बन जाएगा। फिर हम लोग ये जो वाइट पेंट है एक्रोलिक, जो एशियन पेंट का आता है, ये वाला जो पेंट यूज़ करेंगे, इसका दाम 71 रुपीज़ है। और अगर आप से लेते हैं, अब इसको हम हल्का हल्का खोल लेंगे। ये कम्प्लीटली पहले स्टिक अच्छे से देख लेना कि ये कम्प्लीटली स्टिक हो जाए, उसके बाद ही इस पे पेंट का उपयोग करना। तो जो आप वाइट पेंट है, अब ये जो वाइट पेंट है इसको अच्छे से हिला के मिक्स करके फिर आप अप्लाई करो इस पे। अच्छे से मोटा करके अप्लाई करना, इससे क्या कलर आपका छूटे ना। ये कम्प्लीटली अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा करके ही डालो, इससे ये मिटे ना, उठे ना। ये कम्प्लीटली पूरा वाइट कर देना। जब ये चिपक जाएगा उसके बाद इसका जो रन है वो कम्प्लीटली आ जाएगा। तो अब हम लोग को इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर मिलते हैं आपको 24 घंटे बाद। अब ये हम लोग 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे कि ये सूखा है कि नहीं। हम इसको हल्के हल्के हाथ से अभी इसको रिमूव करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो उन्होंने जो पेंट का यूज़ किया था उससे वो चिपका है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके इसको निकालेंगे। पर ये थोड़ा हल्का हल्का हो गया। अब हम इस वैसे जो स्टिकले पोर्शन है इसको हम हल्का हल्का निकालेंगे और टाइम निकाल के इसमें हम लोग ब्लेड का यूज़ करेंगे। ब्लेड का यूज़ करके हम इसमें से हल्का हल्का जो है ए फिल्टर है, बी फिल्टर है, इस अच्छे से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये हल्का सा स्टिकी स्टिकी टाइप का, अब हम मिलते हैं आपको 2 सेकेंड बाद।